हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार की सबसे फेमस डिश लिट्टी चोखा। ये मैं तीन तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक तल कर, जो कि सफ़र में ले जा सकते हैं आप आराम से, और एक अपम मेकर में, जो कि ढाबे पर लकड़ी कोला पर सेकने का जैसा टेस्ट रहता है वैसा आएगा, और तीसरा चारकोल पर। इसके लिए मैंने सबसे पहले बैंगन को तेल लगाकर और टमाटर को तेल लगाकर सेकने के लिए रख दिया है। अब इधर मैंने एक कटोरी सत्तू ले लिया है, और उसके लिए मसाले मैंने लहसुन लिए हैं, अदरक, धनिया पत्ता, मिर्ची, प्याज, नींबू, अचार, अजवाइन, मंगरेला। अब इधर मैंने प्याज को बारीक बारीक काट ले, जितना आप बारीक काट सकते हैं। आप चाहें तो चॉपर पे भी काट सकते हैं इसे। अब मैंने अदरक लहसुन और मिर्च को मैंने काटा नहीं है, इसे ओखली पर डाल के दरदरा कूट लिया है। इसे खुशबू अच्छे आती है और खाने में दांतों पर भी नहीं पड़ता है। काट कर डालने से दांतों के नीचे आता है तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर मैंने इधर सत्तू में प्याज, अदरक, लहसुन, दरदरा कूटा हुआ, धनिया पत्ता थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे चोखा में डालने के लिए। अब इधर अजवाइन मंगरेला डाल लेंगे, आम का अचार घर का बना हुआ है, नमक डाल लेंगे और तेल 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। अब सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मसल कर हाथों से मिला लेंगे, और अगर नमक कम या कम होगा तो आप ऊपर से और डालकर मिला सकते हैं टेस्ट करके। अब इधर मैंने 4 कटोरी आटा लिया है, उसमें अजवाइन मंगरेला मैंने हाथों से मसल कर डाला है, 2 चम्मच घी और नमक डाला है, और पानी डाल के इसका अच्छा सा कड़ा आटा गूँथ लिया है। अब इसे रेस्ट ढक कर रेस्ट करने के लिए रख दें। ये देखिए मेरा बैंगन और टमाटर पक गया है, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इधर एक जार में धनिया का पत्ता को अच्छे से धोकर ले लिया है, उसमें 2 मिर्ची और लहसुन के पत्ते, सर्दियों में लहसुन के पत्ते आते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में, मैंने चटनी में वही लिया है, और एक आंवला उसके बीज निकाल लिया है मैंने, और उसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालकर थोड़ा सा पानी और तेल डाल लेंगे और उसे बंद कर कर पतला पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा चटनी पिस गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इधर मैंने आटे को थोड़ा सा मसल कर उसमें उंगली की सहायता से छेद करके मैंने मसाले को भरना शुरू कर दिया है। देखिए इस तरह से उंगलियों की मदद से ऊपर की तरफ करके दबाकर भर लें। अब मैं एक और भर कर बताती हूँ। आटे का लोई लें और फिर उसे उंगलियों की सहायता से अंगूठे से दबाते हुए बीच में छेद कर लें और उसमें मसाले को लेकर भर ले, और फिर उंगलियों की मदद से ऊपर की तरफ करते हुए दबाकर बंद कर ले। इसी तरह हम लोग सारी लिट्टी को भर लेंगे। अब इधर मैंने अपम मेकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें लिट्टी डाल देंगे। इसे मीडियम आंच पर रखेंगे, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा तेज। अब मैंने इधर तलने के लिए लिट्टी को भर लिया है, इसे थोड़ा चपटा ही रखेंगे और मीडियम आंच पे इसे डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डालते ही के साथ वो लिट्टी जल जाएगी और अंदर तक सिकेगी नहीं। दूसरी तरफ मैं इधर अपम मेकर में लिट्टी को भी पलट लूँगे और ढक कर रख दूँगी। अब दूसरी तरफ इधर लिट्टी को चलाते रहें, इससे क्या है कि दोनों तरफ से कलर आएगा, जब सिक जाए, इस तरह से ब्राउन कलर आ जाए, तब इसे निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पे निकाल लें अच्छी तरह से। अब इधर अपम मेकर में हम लिट्टी को देख लेंगे, अभी एक तरफ से और बाकी है, इसे पलट कर ढक दें। अब देखिए ये चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है, ये अब हो गया है। जब लिट्टी सिक जाए तो हल्का फटना शुरू हो जाता है। ये देखिए हमारी 2 तरह की लिट्टी तैयार हो गई है। अब तीसरा मैं चारकोल पर सिकने के लिए बताऊंगी। एक मिट्टी के बर्तन में चारकोल का डाल लें, उसमें कपूर डालकर जला लें।
पर जाली रख के इस तरह से लिट्टी को सेक लें। अब इधर बैंगन के छिलके को निकाल लीजिए और टमाटर के भी छिलके को निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लें। अब उसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, प्याज, धनिया पत्ता डाल दें, जो हमने सत्तू में से बचा रखे थे वही सारे मसाले इसमें भी डालेंगे। और एक चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है, एक टमाटर को मैंने अलग ही मैसा है, और नमक डाल लेंगे, टमाटर की चटनी में भी नमक डाल लेंगे। अच्छे बैंगन को अच्छे से मसल कर हाथों से मिक्स करेंगे और टमाटर की चटनी में धनिया पत्ता मिर्च डाल कर मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। मैंने तीन तरह की बनाई, एक छान कर, एक अपम मेकर में और एक चारकोल पे सेका है। ये बिल्कुल ढाबे स्टाइल में लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार से ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, बिल्कुल एकदम रोड के किनारे जो ढाबे पे सेके जाते हैं लिट्टी, बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट आता है। आप ये मैंने खाली बनाया अपनी बेटी के लिए, आप इसे घी में डालकर खाएं, जैसे खाएं बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें।